हेलो दोस्तों, मैक मैसेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं। जनरल साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। वे सभी क्वेश्चन जनरल साइंस से फिजिक्स से संबंधित जो अब तक प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए, ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड पैटर्न वाले होते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए तथा लगातार ये परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी ही नहीं, एसएससी के भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज डेट 12 है, इससे पहले हमने 11 वीडियोस फिजिक्स पर और बनाई है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर फिजिक्स की प्लेलिस्ट से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाएगी तो उसका प्रेरकत्व कितना होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कुंडलों की संख्या में हम परिवर्तित किए बिना, यदि कुंडली की जो उसकी कुंडलों की संख्या है कुंडली की लंबाई परिवर्तित नहीं करते हैं और उसमें जो वर्तों की संख्या है उसको हम बढ़ा देते हैं, तिगुना कर देते हैं, दोगुना कर देंगे तो उसके स्क्वायर के गुना हो जाएगा उसका प्रेरकत्व। यदि तीन गुना कर देते हैं तो उसके स्क्वायर 9 गुने के बराबर हो जाएगा, दो गुना कर देंगे तो 4 गुना के बराबर हो जाएगा। अतः इसका करेक्ट आंसर है 9 गुना। क्वेश्चन नंबर 277। इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है। तो टंकी परिपथ के अंदर प्रतिरोध आता है एवं धारिता आती है। इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ के अंतर्गत हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स और एक धारिता बॉक्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस जिन्हें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 278। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए हम टंगस्टन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 279। बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, बहुलमापी अर्थात बहुत सी मापों को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाए। तो बहुलमापी के प्रयोग हम धारा मापने के लिए, वोल्टता मापने के लिए तथा प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। तो बहुलमापी का प्रयोग धारा, वोल्टता तथा प्रतिरोध के मापन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 280। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है। तो विद्युत उत्पादन के लिए जो हम नाभिकीय रिएक्टर यूज करते हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन से हमें अपार ऊर्जा प्राप्त होती है और जिसका उपयोग हम पानी को गर्म करके भाप बनाने और फिर विद्युत उत्पादन में करते हैं। चूंकि हमें जो नाभिकीय होते हैं उनमें से दो प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है, एक तो नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिक विखंडन। सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो सूर्य की ऊर्जा का होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है तथा नाभिकीय विखंडन द्वारा हम जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। किलोवाट आवर एक यूनिट है। तो किलोवाट आवर एक ऊर्जा की यूनिट है, इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा। किलोवाट आवर ऊर्जा की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 282। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, इसका करेक्ट आंसर है धारा में न कि वोल्टेज में। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि धारा में परिवर्तित, जब धारा में भारी वृद्धि होती है तो जो फ्यूज परिपथ होता है वो पिघल जाता है। वोल्टेज में वृद्धि होने के कारण फ्यूज परिपथ नहीं पिघलता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ स्लाइन कि धारा में जब भारी वृद्धि होती है तो फ्यूज वायर पिघल जाता है। क्वेश्चन नंबर 283। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रेगुलेटर का कहते हैं। इसे बिजली के पंखों की गति बदलने के लिए अर्थात उससे धीरा करने के लिए या फिर उसके सामान्य गति से तेज करने के लिए हम रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 284। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, इस बॉक्स में हम भरेंगे प्रतिरोध। वह चालक जिसका प्रतिरोध शून्य होता है उसे हम अतिचालक की श्रेणी में लेते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको न्यूनतम टेम्परेचर पर ले जाने पर, बहुत कम तापमान पर ले जाने पर उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिना किसी रोध के प्रतिरोध के होने लगता है, उसे हम अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 285। वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वैद्युत परिपथों में करंट को सीमित करने के लिए हम फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज में एक फ्यूज वायर का प्रयोग होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है,
और तथा जिसका प्रतिरोध अत्यंत क्षीण होता है, उसमें प्रतिरोध न के बराबर होता है तथा उसका गलनांक बहुत कम होता है, अधिक मात्रा में विद्युत धारा में वृद्धि होने पर वो फ्यूज जो होता है वो गल जाता है तथा विद्युत परिपथ को बाधित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 286, विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत जो होती है वो पानी की सुचालक होती है, तो अगर जो हम जल का प्रयोग करेंगे तो उससे विद्युत इलेक्ट्रोक्ल्यूशन हो सकता है, इसीलिए हम विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, गतिशील वैद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, यदि यह कोई विद्युत धारा चालक है अगर तो इसमें विद्युत प्रवाहित है तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा जिसे हम गतिशील वैद्युत आवेश या फिर चुंबकीय क्षेत्र के नाम से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर है कूलाम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कूलाम। क्वेश्चन नंबर 289, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, तथा जिसकी प्रतिरोधकता अत्यंत न्यून हो, उसी से हम घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा वायर या फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उसके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य क्रम में सही विन्यास बनाइए, तो पहले एक्स किरणें, फिर अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य, फिर सूक्ष्म तरंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उसके बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य का सही क्रम बनाइए, एक्स रे का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, अवरक्त विकिरण का तरंग दैर्ध्य एक्स रे से ज़्यादा, दृश्य तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है अवरक्त से ज़्यादा, और सूक्ष्म किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 291, फैराडे किसकी इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है धारिता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन कि फैराडे क्या है, तो फैराडे धारिता का इकाई है, फैराडे जिसे हम धारिता की इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, फोटोन की कण बनाने की प्रकृति किस पर टिकी होती है, तो जो फोटोन के कण बनाने की प्रकृति होती है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर निर्भर करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोन एक ऊर्जा का कण है और जिसकी जो निर्माण करने की प्रकृति होती है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण होती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 293, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, तो किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता उसकी तनुता पर निर्भर करता है, यदि कोई विद्युत अपघट्य है तो उसकी संलग्नता तथा असंलग्नता का स्तर उसकी तनुता से निर्भर करता है, उसकी तनुता से उसका जो असंलग्नता है निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 294, बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है, तो बिजली का जो फ्यूज होता है वो टिन और लेड से मिला हुआ एक मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूज तार से संबंधित कि वो किसका मिश्रण होता है, तो टिन और लेड का, और इसका गलनांक भी कम होता है और इसका प्रतिरोध भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 295, धारावाहक तार कैसा होता है, धारावाहक तार न्यूट्रल होता है, इसका करेक्ट आंसर न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 296, विद्युत चालकता की यूनिट है, विद्युत चालकता महो, ओम का व्युत्पन्न मात्रक महो जिसे हम महो कहते हैं, वह विद्युत चालकता की जो यूनिट है उसे महो के नाम से संबोधित करते हैं, यह 1/R अर्थात प्रतिरोध की व्युत्पन्न चालक प्रतिरोध का व्युत्पन्न मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 297, धारा का वहन करने ते समय सुचालक कैसा होता है, तो धारा का वहन करते समय सुचालक जो ऋणात्मक प्रकृति का होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश के कारण सुचालक की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक आवेश वाहक होती है। क्वेश्चन नंबर 298, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट या फिर ध्वनि को मापने की यूनिट, तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ध्वनि की यूनिट के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डेसिबल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, तो ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है।
क्वेश्चन नंबर 299, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की उच्चता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम अधिक है या कम है उसके अनुसार ही ध्वनि कम होगी या फिर अधिक होगी। तो आयाम की जो निर्भरता हो, जो ध्वनि की उच्चता की निर्भरता होती है उसके आयाम पर होती है। क्वेश्चन नंबर 300, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तित होता है? वायु के तापमान परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण परिवर्तित होता है? इसका करेक्ट आंसर है तरंग दैर्ध्य। वायु के तापमान पर ध्वनि का तरंग दैर्ध्य निर्भर करता है। यदि वायु का तापमान अधिक या कम होने से उसके तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, या तो अधिक होता है या फिर कम होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने टोटल 300 अब तक क्वेश्चन किए हैं। जे क्वेश्चन सभी फिजिक्स के आरआरबी एनटीपी से तथा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।